Starting with the name of Almighty Allah the Rahman the Rahim, welcome back dear candidates to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है आर्मी के, नेवी के या एयरफोर्स के पेपर में. अब अगर आप पहले टेस्ट दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि कोई ज़्यादा बिग डील नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन अगर आपने पहले पेपर नहीं दिया ना और आप कंप्यूटर की हाव नाव के बारे में भी नहीं जानते तो आपको मुश्किलात हो सकती हैं. ठीक है, तो फर्स्टली तो मैं एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया है जिसमें लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और कीबोर्ड यूज़ करना आपको आना चाहिए. बस ये तीन चार चीज़ें हैं. अगर ये तीन चार चीज़ें आपको आती हैं पहले तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप इस ट्यूटोरियल को पहले देखें. उसके बाद आपको कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स देने हैं कि कंप्यूटर हैंग क्यों हो जाता है ड्यूरिंग पेपर, आपका एंड टेस्ट क्यों हो जाता है, ये जो चीज़ें हैं ना ये प्रॉब्लम देती हैं. ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप ये ट्यूटोरियल देखें. ठीक है जी, तो सबसे पहले ये होता है कीबोर्ड. कीबोर्ड बेसिकली एक शेल्फ टाइप बनी होती है, जैसे ये टेबल है ना, टेबल के साथ एक शेल्फ बनी होती है और उसके आपने उस शेल्फ को ऐसे नीचे से खींचना होता है. ठीक है, और ये कीबोर्ड निकल आता है. कीबोर्ड के पहले आप बटन चेक करें, ये है कीबोर्ड. ठीक है, सिंपली. और इस तरह का एक माउस होता है आपको जो दिया जाता है. सबसे पहले तो बेटे आपको ये जानना है कि ये जो माउस है ना, ये इसका ये जो शहादत वाली उंगली मेरी जिधर है, इसको कहते हैं लेफ़्ट क्लिक और इसको कहते हैं राइट क्लिक. ये जो ये वाली जो दरमियान वाली उंगली जिस पर रखी हुई है, दिस इज़ राइट क्लिक एंड दिस इज़ योर लेफ़्ट क्लिक. पहले तो आपको ये कवर क्लियर होना चाहिए. और इस तरह से आपकी स्क्रीन होती है. स्क्रीन अभी बंद है, इसको बंद ही रहने दें. सिंपली आपने क्या करना होता है, ये जो माउस है ना, माउस के दो क्लिक हैं, एक लेफ़्ट है और एक राइट क्लिक है. ठीक है, आपने हमेशा जो यूज़ करना है वो लेफ़्ट क्लिक यूज़ करना है. नेवर एवर राइट क्लिक आपने कभी भी यूज़ नहीं करना, नेवर एवर. ठीक है, आपने हमेशा कौन सा क्लिक यूज़ करना है, ये जो मेरा शहादत की उंगली पे ये वाला, ये यूज़ करना है. ना आपने स्क्रोल को कभी छेड़ना है, ना आपने राइट वाले क्लिक को कभी छेड़ना है. आपने हमेशा जो यूज़ करना है वो लेफ़्ट क्लिक है. ओके, अब आ जाएं इसके ऊपर, ये है कीबोर्ड. अब कीबोर्ड वो आपको ना, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना होता है और साथ में आपने जस्ट अपना पासवर्ड एक एंटर करना होता है. अब सबसे ज़्यादा जो लड़कियों को मुश्किल आती है कीबोर्ड में वो ये आती है कि सर हम कैसे एंटर करें. जो मुश्किल चीज़ है ना वो होती है स्पेस, लाइक दिस. ये जो इज इक्वल वाले बटन के साथ है ना स्पेस, ये वाली स्पेस ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि अक्सर लड़कियाँ बड़े वाली स्पेस जो है ना ये दे देती हैं. आपने सिंपल क्या करना है, नंबर लाइक जो भी है 3 4 5 0 2 जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है, और जब आपने स्पेस देनी है ना तो आपने ये देख लेना है सिंपली कि ये जो है ना, ये एक है इधर ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट का, देखें शिफ्ट, ये वाले बटन को आपने नहीं दबाना. अगर इस बटन को आप दबाएंगे और साथ में इस बटन को आप दबाएंगे तो स्पेस बड़ी हो जाएगी. शिफ्ट दबा के अगर ये वाला बटन आप दबाएंगे ना तो स्पेस बड़ी हो जाएगी और आपको मुश्किल हो जाएगी, आपका आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो कहेंगे डज नॉट मैच. सो आपने सिंपली क्या करना है कि ये शिफ्ट वाले बटन को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना. आपने बस नंबर देते हुए जब भी स्पेस की यूज़ करने की ज़रूरत आए आपने ये वाला स्पेस देना है सिंपली. और यहाँ पर आपने जब अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देना है, नीचे एक खाना बना होगा, वहाँ पे आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना. पासवर्ड वो खुद देंगे कि ये पासवर्ड आप लगाएं. और ये माउस का मैंने आपको बार बार बताया है क्योंकि लड़कियाँ इधर गलती करती हैं, वो राइट क्लिक कर देती हैं. जब राइट क्लिक करती हैं तो आपका जो पेपर है, आपका जो टेस्ट चल रहा होता है स्क्रीन के ऊपर इधर, तो वो स्क्रीन के ऊपर हैंग हो जाता है और आपका टाइम ख़राब होता है. इसी तरह बार बार आपने इसको भी ऐसे ऐसे नहीं करते रहना, लेफ़्ट क्लिक को भी आपने बार बार क्लिक नहीं करते रहना, आपका पेपर, आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे वो हैंग हो जाएगा. ठीक है, ये भी आपने याद रखना है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपका इधर टेस्ट हो रहा होगा ना स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा वो टाइम लेगा लोडिंग होने में. यानी आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रीवियस का बटन दबाएंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप एंड टेस्ट का भी एक बटन होता है स्क्रीन पे आ रहा होता है, उसको आपने कभी नहीं दबाना. ठीक है, ये भी आपने याद रखना है. दूसरा, आपने ये नहीं हो कि नेक्स्ट नहीं हो रहा, आगे अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं तो आपका टेस्ट जो है ना वो हैंग हो जाएगा. अगर टेस्ट हैंग हो गया
फिर इशू हो जाएगा आपके लिए और आपका साल भी ज़ाया हो सकता है सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब मैंने टेस्ट दिए थे इन 2017 तो मैंने सबसे पहले ट्राई के लिए एक टेस्ट दिया था UDC का, और अभी मैंने 10 से 15 क्वेश्चन हल किए थे तो मेरे से एंड टेस्ट वाला जो बटन होता है ना वो प्रेस हो गया था। जब एंड टेस्ट वाला बटन प्रेस हुआ तो मेरा सारा का सारा पेपर जो है वो हो गया, सबमिट हो गया और मैं उधर फेल हो गया। अभी तक मेरी जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर, डिग्री के ऊपर अभी तक स्टैंप लगी हुई है एंड टेस्ट की, जो फेल हो चुका हूँ मैं UDC में। तो आपने माउस का ध्यान रखना है, माउस का ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक आपने लेफ्ट क्लिक करना है, दूसरा आपने बार बार इसको क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपका जो पेपर है, आपका जो टेस्ट है कंप्यूटर पे, वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, टाइम लेगा, स्पीड अप नहीं होगा और आपका टेस्ट भी जा सकता है, ख़त्म हो सकता है, एंड हो सकता है। ओके जी, तो आपने ट्यूटोरियल देख लिया होगा और आपने सीख लिया होगा कि राइट क्लिक क्या है, लेफ्ट क्लिक क्या है। आपने राइट क्लिक कभी नहीं करना और जो स्क्रॉल बना हुआ है गोल सा उसे भी आपने नहीं छेड़ना माउस पे, आपने हमेशा लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और लेफ्ट क्लिक बार बार नहीं करना। जब आप बेटे लेफ्ट क्लिक बार बार माउस को छेड़ते हो ना तो क्या होता है, फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। जब ये बड़ी सारी लड़कियों के साथ मसला होता है, बड़ी सारी लड़कियों के साथ, तो कंप्यूटर हैंग नहीं होना चाहिए, फिर टाइम कंज्यूम हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट में मसला होता है। अब दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं बेटे, दूसरी चीज़ सर जी क्या है, दूसरी चीज़ बेटा ये है कि आपने कभी भी खुद एंड टेस्ट नहीं करना, कभी भी खुद एंड टेस्ट का बटन नहीं दबाना। मीन्स हो सकता है कि आप टेस्ट 20 मिनट पहले कर लो, तो अगर 20 मिनट पहले आपने टेस्ट कर लिया तो वहां पे एक बटन होता है सबमिट टेस्ट का या एंड टेस्ट का, उसको आपने कभी भी नहीं क्लिक करना। ऐसे बैठे रहो, सो जाओ, आपने वो एंड टेस्ट का बटन कभी नहीं क्लिक करना, ऐसे बैठ के देखते रहो कंप्यूटर को, टाइम जा रहा है कोई गल नहीं, सुकून नाल बैठ के दुरूद पाक पढ़ते रहो, बट कभी भी आपने एंड टेस्ट का बटन क्लिक नहीं करना। सर जी इसकी रीज़न बता दें, रीज़न जानना ज़रूरी नहीं ना, ज़रूरी तो छोड़ दो, चुप करके खुद उसका टेस्ट, खुद टाइम ख़त्म होगा, खुद टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट होगा, खुद रिजल्ट आपके सामने आएगा, आप पास हैं या फेल। आपने एंड टेस्ट के बटन को नहीं छेड़ना, कबीरा गुनाह है आपके लिए, ठीक है जी। ये चीज़ कन्फर्म क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए, अगर अभी भी किसी के माइंड में कोई शक है तो फिर करके देख लेना। और जैसा कि मैंने शायद ट्यूटोरियल में भी आपको बता दिया है कि मेरे साथ ये वाकया हो चुका है कि एंड टेस्ट के बटन से आपने दूर दूर रहना है, एंड टेस्ट के बटन से आपकी दुश्मनी है, सिंपल, ठीक है। मेरी बातों को गौर से सुन लो और इस पर अमल कर लो, ये बातें हैं बड़े काम की। ना तो आपने कभी राइट क्लिक करना है, ना स्क्रॉल को छेड़ना है, ना लेफ्ट क्लिक पे बार बार उंगलियां मारनी है आपने। और जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओगे थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने नेक्स्ट पे बार बार क्लिक नहीं करते रहना, ठीक है। और हमेशा कौन सा क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और आपने एंड टेस्ट कभी नहीं करना खुद। टाइम चलता रहे, होना तो ये चाहिए कि आपका एंड वाला क्वेश्चन हो और आपका एंड वाला मिनट हो, दोबारा से रीचेक करते रहो क्वेश्चंस को, लेकिन एंड टेस्ट बटन कभी भी क्लिक नहीं करना। बेटे समझ जाएगी मेरी बात या नहीं आई समझ, पुलिस बुलाना पड़ेगी, आ गई। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मिलेंगे। ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना, इनको फॉलो किया करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।